बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। जी मैं दरख्त के नीचे छुप कर बैठा हूँ, तो शायद की मक्खियों ने जी बनाया था यहाँ पे छत्ता, तो शायद तो मैंने नहीं उतारा। ये कि सारा शायद जी मक्खियाँ खा चुकी हैं और खा के उड़ गई हैं, बस कुछ ही बचा बाकी, तो सारा शायद जी ये ख़त्म कर गई हैं। वो छत्ता बिल्कुल खाली है, मैंने इस वजह से नहीं उतारा जी, काफ़ी मेहनत ये से ये बनाती हैं। और हमारे घर तकरीबन 3-4 साल से शायद लग रहा है, और मैंने कभी भी नहीं उतारा क्योंकि ये इतनी मेहनत से जी बनाती हैं शायद, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उतारूं। बस मेरी नेचर ही जी कुछ ऐसी है। बाज़ लोग मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप नहीं उतारते तो हमें उतारते हैं जी। मैं दोस्तों को बताता हूँ जी हमारे घर छत लगा हुआ, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि हमें उतारने दें। तो मैंने आज दिन तक कभी ना किसी को उतारने दिया, ना खुद उतारता हूँ। जब ये खा के उड़ जाती है तो मुझे खुशी मिलती है जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, छत्ता बिल्कुल खाली हो चुका है, सब खा चुकी हैं शायद ये देखें, ऊपर से भी खाली सारा छत है। चलें जी हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी डक्स क्या कर रही हैं जी। तो ये जी एक फूलों का दरख्त है जहाँ पे शहद लगा हुआ है, तो अभी जो आपको दिखाया है इसके अंदर लगा हुआ है शहर। यहाँ से भी कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ, पर यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाकी माशाल्लाह जी डक्स भी हमारी घास खा रही हैं। तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, देखिए धूप भी निकली हुई है। डक्स के लिए टब में पानी भर दिया ताकि जब इनकी मर्ज़ी हो तो ये नहा सकें, बाकी सब मसरूफ़ है घास खाने में। बाकी जो हमारा डॉग पपी है जी, बकर वाली डॉग पपी, उसको भी हमने खोला हुआ है। मुर्गी के जो हमारे बच्चे हैं जो तकरीबन 4-5 महीने पहले निकलवाए थे, ये भी माशाल्लाह जी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। नीचे एक प्लाट है वहाँ पे जी दाना वगैरह खाने के लिए चले जाते हैं, और सब मुर्गियाँ वहाँ नीचे ही गए हुए हैं। तो गोल्डन मुर्गी हमारी अंडा दे चुकी है, तो अभी ये बाहर आ गई है। और ये देखें जी, तो माशाल्लाह फ्रेंड्स दिन ब दिन काफ़ी एक्टिव हो गया, और इसकी जो फर है वो भी निकलना शुरू हो गई है। सिम्बा ओए, तो ये देखें जी फ्रेंड्स माशाल्लाह, अब तो मस्ती करता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स भौंकना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स अभी 15 दिन का भी नहीं हुआ ये, वाओ 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 वाओ
वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स ये जी हमने मिनी जू आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर लिया है। यहाँ पे जी शेड है हमारा, जहाँ पे जी गाय और गाय की बछड़ी, और जो हमारी गाय ने कुछ दिन पहले जी बछड़ा दिया, ये भी माशाल्लाह जी ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। कबूतर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ अरसा ही हुआ है, ये भी यहाँ पे जी बैठे हुए हैं। गाय हमारा चारा खा रही हैं, एक मुर्गी बाहर है, बाकी सब रोकी हुई हैं पिंजरे में। तो चलें जी इन्हें भी निकाल देते हैं। चाबी मेरे पास नहीं है जी, दूसरे कमीज़ में होगी जो मैंने पहनी हुई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।